हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने अब तक नेचुरल फिनोमिना के हर पार्ट को जी भर कर प्यार दिया है। आपके इसी प्यार को देखते हुए हम इस बार आपके लिए लाए हैं नेचुरल फिनोमिना का पार्ट 6, जिसमें आपको दुनिया के ऐसे ऐसे रहस्य दिखाएंगे जिससे 90% लोग अब तक अनजान हैं। आप भी ये वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओडिशा के बालासोर कस्बे का चांदीपुर समुद्र किसी अजूबे से कम नहीं है। देखते ही देखते इस समुद्र का पानी गायब हो जाता है। इस समुद्र से पानी गायब होने और वापस लौट कर आने की वजह से इसे हाइड एंड सीक बीच के नाम से जाना जाता है। समुद्र अपना पानी ज्वार के दौरान दिन में 2 बार पीछे छोड़ देता है और फिर उच्च ज्वार के दौरान पानी वापस आ जाता है। समुद्र तट के लिए यह घटना अद्वितीय मानी जाती है। ज्वार पीछे हटने का कोई निश्चित समय नहीं है, ये चंद्रमा चक्र पर निर्भर है। हालांकि ये घटना हर दिन घटती है। अमेरिका में एक बेहद ही रहस्यमय वॉटरफॉल है जिसे डेविल्स कैटल यानी शैतान की कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल कढ़ाई की शक्ल में यहाँ एक छोटा सा कुंड है जो रहस्यमय तरीके से अपने अंदर नदी का आधा पानी समाहित कर लेता है। यह पानी आखिर जाता कहाँ है, इसका पता तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए। कहा जाता है कि पानी के रास्ते को खोजने के लिए कई बार वॉटरफॉल के अंदर कुछ कुछ चीजें डाली गई, पर वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में एक झील के ऊपर हर समय बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसके पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। वैसे इसके और भी नाम है, जैसे केटाटुम्बो लाइटनिंग, एवर लाइटनिंग स्ट्रॉम, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में केटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहाँ साल में 260 दिन तूफान होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती रहती है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में भी दर्ज है। ये कोई ड्राइंग नहीं है और न ही कोई स्कल्पचर है, बल्कि प्रकृति द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक झरना है जिसे पेरू में खोजा गया है। ये झरना कुछ इस तरह से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है जिससे दुल्हन की आकृति सी बनती है। झरने को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेशों में दुल्हनें सफेद रंग की पोशाक पहनती है, वैसे ही यह झरना भी सफेद रंग के गाउन की तरह नजर आ रहा है। ऊपर से जब यह झरना गिरना शुरू होता है तो लगता है कि ये जैसे सिर है, और फिर नीचे आते आते झरना पूरी तरह शादी के लिए तैयार हुई दुल्हन की तरह लगने लगता है। इस झरने को वॉटरफॉल ऑफ द ब्राइड यानी दुल्हन का झरना कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। कनाडा की अब्राहम झील दुनिया की अनोखी झीलों में से एक है। दरअसल इस झील की सतह पर जो बर्फ जमती है वो क्रिस्टल जैसी होती है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि झील में मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो ऊपर आकर जम जाते हैं। मीथेन गैस निकलने का कारण है झील के तट में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थ छोड़ते हैं। क्योंकि झील पूरी तरह से जमी हुई होती है, ऐसे में लोग उसके ऊपर आराम से बैठते हैं, उन पर चलते हैं और स्केटिंग भी करते हैं। दोस्तों, आपने झरने तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी वॉटरफॉल से पानी की जगह खून बहते देखा है? शायद आपका जवाब हो नहीं, लेकिन अंटार्कटिका में एक ब्लड फॉल्स है जहां पानी की जगह खून बहता है। 1911 में भूविज्ञानी ग्रिफिथ टेलर द्वारा पहली बार अंटार्कटिका में लाल रंग के झरने की खोज की गई थी, जहां उन्होंने देखा कि एक नदी ने बर्फ के आसपास की चट्टान को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। दशकों तक वैज्ञानिक इसके राज को खोजने में लगे हुए थे, लेकिन अब अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय ने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा लिया है। ब्लड फॉल्स के गहरे लाल रंग की असली उत्पत्ति नमकीन खारे पानी में ऑक्सीकृत लोहे के कारण होती है।
वही प्रक्रिया जो जंग लगने पर लोहे को गहरा लाल रंग देती है। जब लोहे का खारा पानी ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्सीकरण करता है और लाल रंग का हो जाता है, जिससे पानी गहरे लाल रंग में बदल जाता है। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बेहद ही रहस्यमय स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसे साइंटिस्ट रिचर्ड मोलार्ड ने खोजा था। वैसे इसे अफ्रीका की आंख या आई ऑफ सहारा भी कहा जाता है। यह आंख इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष यात्री भी आसानी से देख सकते हैं। इस ढांचे के चारों तरफ गोलाकार छल्ले बने हैं। हर छल्ले का बाहरी हिस्सा पथरीला और पठारी है, जबकि अंदर वाला हिस्सा गहरा और रेतीला है। सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर ही ये जगह नहीं जानी जाती, यहाँ पर आचुलियन पुरातात्विक कलाकृतियों का गढ़ भी है। अब इन आकृति को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ लोग इसे एलियंस द्वारा बनाई गई आकृति मानते हैं। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रकृति ने इस दुनिया को कई आश्चर्यजनक चीजों से नवाजा है। उसी में एक है नीलगिरी का इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला पेड़। ये एक ऊंचा और लंबा पेड़ है, जिसे आमतौर पर इंद्रधनुष यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। यह न्यू ब्रिटेन, न्यू गिनी, सेराम, सुलावेसी और मिंडानाओ में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एकमात्र यूकेलिप्टस प्रजाति है। इस प्रजाति के पेड़ की बाहरी छाल हर साल अलग अलग समय पर अलग अलग रंग की आती है। इसकी मुख्य छाल चमकीले हरे रंग की दिखाई देती है। यह उष्णकटिबंधीय जंगलों में उगता है, जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। इथियोपिया में स्थित दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता ही रहता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहां पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूएलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। यह रेगिस्तान 62,000 मील से अधिक क्षेत्र के रेगिस्तान में फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो दुर्लभ रहस्य जिनके बारे में दुनिया के 90% लोग नहीं जानते होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।